पुलिस थाना चोहला साहिब दी पुलिस पार्टी ने एक नौजवान नु चोरी दे मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार करने च सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी दिंदिया होया डीएसपी अतुल सोनी सब डिविजनल गोविंदवाल साहिब ते पुलिस थाना चोहला साहिब दे मुखी राजकुमार ने दस्या कि चोहला साहिब दी पुलिस पार्टी वालों लिंक रोड चोहला खुर्द विखे गश्त कर रहे सन ते इस दौरान पिंड चोहला खुर्द दी तरफों दो नौजवान एक बिना नंबरी स्पलेंडर मोटरसाइकिल उत्ते सवार हुंदे होए दिखाई दिंदे ने। जद पुलिस पार्टी वालों उन्हां नूं रोकिया गया तां मोटरसाइकिल दे पिछे बैठा एक नौजवान मोटरसाइकिल तों उतर के दौड़ गया। शक पैण उत्ते जद पुलिस पार्टी वालों मोटरसाइकिल चला रहे नौजवान तों कागजा दी मंग कीती गई तां उह नौजवान मोटरसाइकिल दी मालकी संबंधी कोई भी सबूत पेश न कर सकया। पुलिस अधिकारी वालों दस्या गया कि फड़े गए नौजवान दा रिमांड लैण तों बाद उसने चोरी दा एक होर मोटरसाइकिल बरामद करवाया। पुलिस वालों बांदी कार्रवाई करके फड़े गए नौजवान दे दूसरे साथी दी भाल कीती जा रही है। ईसीओ जेपी एसएसपी तरनतारन श्री गौरव धूर जी आईपीएस जिन्हां दे निर्देश ते उपर साडे जिहड़े नाके वगैरह लगदे हैगे अजकल दे हालातां नूं देखदे होए भी जिहड़े इलैक्शन चल रही ने उसके संबंध के जी पुलिस पार्टी सी ए एस आई बलविंदर सिंह उन्होंने एक नाका लाया जिन्हें एक मोटरसाइकिल एक चैक किया तो वह बंदा जो पिछे बैठा से वह भज गया। इन्होंने उस बंद फटिया तो नाम वगैरह पूछा सिमरनजीत सिंह नाम सेगा तो जिस डॉक्यूमेंटेशन पूछी तो कहें भी मैं चोरी करके लैके आया गुरुद्वारा साहब तो इस तरह फिर FIR नंबर 68 है 5/10/2024 347 जी सी BNS उस असी रजिस्टर की थी। एक बंदा फिर ये पूछगिछ असी होर लैके आए थे तो वो हले अरैसट नहीं होया भजया हुआ है। मोटरसाइकिल साढ़े को दो हले रिकवर हुए हैं तो दो मुलजम जड़े हले भगौड़े ने उन्होंने अभी जल्दी जल्दी फड़ लाँगे जी।